कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 18 साल बाद बड़ी मुश्किल से बनी मेरठ गंगानगर ए ब्लॉक की सड़क हाथों हाथी उखड़ गई। सड़क की गुणवत्ता का हाल यह है कि महिलाओं का जरा सा हाथ लगते ही यह बिखर कर हाथ में आ गई। सड़क निर्माण में बढ़ते गए भ्रष्टाचार पर क्षेत्रीय नागरिकों ने आक्रोश जताया है। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम को हमारे द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही इस सड़क का निर्माण हुआ है। नगर निगम के नगर आयुक्त समेत बाकी अधिकारियों को यहां आकर ठेकेदार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि मेरठ गंगानगर में ही यह सड़क घोटाले का पहला मामला नहीं है। हाल ही में नगर निगम अफसरों के चहेते ठेकेदार आकाश गुप्ता द्वारा बनाई गई सड़क का क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध किया था। इस मामले में भी नगर निगम के ईमानदार अफसरों द्वारा लीपापोती कर आकाश गुप्ता को क्लीन चिट दे दी गई थी। वह भी तब जबकि इसी इलाके में महापौर हरिकांत अहलूवालिया और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक का आवास भी है। सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की सुनवाई न होने पर क्षेत्रीय लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी देकर जिला प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। देखिए मौके के हालात। ये नगर निगम द्वारा हम गंगानगर ए ब्लॉक के रहने वाले हैं, ये सड़क का निर्माण किया और आज उन्होंने सड़क का निर्माण किया, उन्होंने सबको नकारते हुए ये रोड बना के चले गए। आपके सामने अभी है ना कोई तारपोल है और इसको हाथ से उखाड़ ले। जब ये सड़क बनाई जाती है इसका कुछ आपका प्रोटोकॉल होता होगा, कोई अधिकारी होना चाहिए जहाँ पे संज्ञान में इंजीनियर होना चाहिए जो नहीं था। मैं यहाँ गुणवत्ता वाली सड़क चाहिए, अगर हमारा ये नहीं बनता है एक दो दिन में एक्शन नहीं होता हम निश्चित रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ धरने पे भी हम लोग बैठेंगे। नगर निगम में जो ये धांधलेबाजी चल रही है इसके खिलाफ जम के आवाज उठाएंगे। दोबारा सड़क बने जी, दोबारा इसकी मरम्मत हो और सड़क बने जैसा सब लोग चाहते हैं। मरम्मत नहीं, सड़क प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए। इंजीनियर यहाँ होना चाहिए, बिना इंजीनियर के ठेकेदार की अपनी जो आपस में इन्होंने सेटिंग करके सड़क बनाई है, ये सड़क के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, जनता का पैसा है वो लूटा जा रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय नागरिकों ने यह जानकारी दी। मैं डॉक्टर अभिषेक डबास, मैं यहाँ गंगा नगर का निवासी हूँ। आज जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, सो इसमें हमने ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश करी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुँचने की कोशिश करी, अधिकारियों से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन ठेकेदार साहब से बात हुई, कह रहे कि नहीं हम देख लेंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, तो लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि गुणवत्तापूर्वक सड़क नहीं है, मानकों के खिलाफ कार्य किया गया है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज किया गया है वो भी बहुत ही खराब था, जिसके कारण ये सड़क अभी उखड़ गई। जो भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही है वो तुरंत उसके साथ टायर के साथ सड़क उखड़ जा रही है। तो ऐसा इतना भी क्या, क्योंकि हम सब टैक्स पेयर्स हैं और हम उम्मीद करते हैं लगभग 18 साल बाद यह सड़क दोबारा बनाई जा रही है। 18 साल के बाद ये बना के दे रहे हैं सड़क जो 18 घंटे भी नहीं चले पाएगी। मुझे नहीं लगता सुबह तक, अगर इस पे एक ट्रक निकाल दें तो ये सुबह तक बचेगी ही नहीं, सब चिपक जाएगी उसी के साथ साथ, तो ये बहुत गलत है। हम गंगानगर ए ब्लॉक में मेरठ के रहने वाले हैं, हमारे ब्लॉक में आज ये सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया गया और इसकी क्वालिटी बहुत ही लो स्टैंडर्ड की वो है। इस पर किसी भी तरीके का तारकुल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को दरकिनार करते हुए और 80-20 की रेशो, 20% लगाया और 80% खाया। मेयर हमसे 20 मीटर दूर रह रहे हैं, मेयर साहब की भी जिम्मेदारी बनती है और ये जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का सबसे। अभी 6 घंटे पहले ये सड़क बनी और जिसको हम जो है हाथों से उखाड़ने में सक्षम है। जब बनाने वाले यहाँ पे थे, नगर निगम का कोई इंजीनियर यहाँ मौके पर नहीं था, लेबर ने सीधा सीधा पब्लिक रोकती रही और वे बनाते चले गए, वे रोकते रहे वे बनाते चले गए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खाना पूरी करनी थी और उसमें पैसा खाना था। भ्रष्टाचार का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या मिलेगा बताओ। जिस समय सड़क बन रही थी उस समय हम लोगों ने बहुत कहा कि भैया यहाँ पे तारकुंडा दिए और थोड़ी सड़क को चौड़ा भी करिए, पर उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और कह रहे थे कि हमें गर्मी लग रही है और बस हमें को तो इतना ही कहा गया है, हम उसी हिसाब से हम के यहाँ पे काम करेंगे। ना ही कोई उनको देखने वाला था, ना ही उनको कोई बताने वाला था, हम लोग थे कॉलोनी वाले सब लोग, तो उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और ऐसे ही डालते चले गए। अब देखिए सड़क टूट रही है, जगह जगह से धसी हुई है, बहुत अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है तो ये कितने दिन चलेगी, थोड़ा इस पर गौर किया जाए। चौड़ाई नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनाई गई है,
और सड़क को समतल बिल्कुल नहीं बनाया गया, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, उसको बार बार कहा गया जो है जो जिम्मेवार आदमी था, लेकिन कोई ऐसा यही है उस तरह का आदमी नहीं, कहा जाओ कहते रहे भागते रहे, उन्होंने किसी की यहाँ नहीं सुनी, बार बार कहने के बावजूद वो अपने खाना पूर्ति करके चले गए। उनको कहते रहे भाई तारकुल डालो, तारकुल नहीं डाला, उसके ऐसे ही रोड़ी के ऊपर ही उन्होंने माल डाल दिया और ये कहा कि बहुत थोड़ा थोड़ा माल डाला, कह रहे हमें तो इतना ही कहा गया है, जितना हमें कहा गया है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.in। नमस्कार। Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut.